सरकार बना रहे हैं लेकिन सीटें कम हुई हैं, क्या वजह मानेंगे आप? देखिए, इस बारे में मैं पिछले हिस्से में मैंने बताया कि पिछली बार जब चुनाव थे 2015 में, तो उस वक्त एक उत्साह था लोगों के अंदर, वैकल्पिक राजनीति के प्रति एक आशा थी, उम्मीद थी कि सब कुछ बदल जाएगा और हमारी दिल्ली बदल जाएगी और क्रांति हो जाएगी, या क्रांति हो गई है। लेकिन इस बार लोगों ने देखा कि भाई ये भी एक पार्टी है, थोड़ा बेहतर काम कर रही है, लेकिन एक पार्टी ही है जिसकी अपनी सीमाएं हैं, जिसके नेताओं की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज घटा है। एक बात जिसको आप बार बार फोकस कर रही हैं और अजीत जी से पूछ रही हैं कि कांग्रेस का ऐसा क्यों हुआ, मुझे लगता है कि एक आत्ममंथन का समय है। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए, जो भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तीनों में एक बहुत बड़ा फर्क है कि कांग्रेस के पास अपना कोई ऐसा संगठन नहीं है जैसा कि भाजपा के पास में आरएसएस है, आम आदमी पार्टी के इतने ज्यादा कार्यकर्ता है। ये कार्यकर्ता किसी भी संगठन की ताकत होते हैं। कांग्रेस के पास जाएंगे, कांग्रेस में सिर्फ नेता है, और नेता भी कैसे, जिनमें कोई एनर्जी नहीं है, पुराने नेता है ज्यादातर, जो डिबेट में तो तेज चिल्लाते हैं लेकिन एनर्जी घर घर जाने की एनर्जी। और अमित शाह अगर घर घर जाते हैं कोई बुरी बात नहीं है, भाजपा ने मेहनत की है चुनाव में, वो मेहनत दिख रही है कि घर घर गए उन्होंने, जो भी मुद्दे उनके हैं, जो प्राथमिकताएं, हर पार्टी की अपनी प्राथमिकताएं होती है, भाजपा की प्राथमिकताएं भिन्न है, उन मुद्दों को लेकर के जनता को कन्विंस करने की कोशिश की। कांग्रेस इस मामले में थोड़ी फेल रही कि कांग्रेस के पास ऐसे कार्यकर्ताओं का हुजूम नहीं है, ऐसी बड़ी संख्या नहीं है, एक संगठन नहीं है। तो पार्टी के साथ साथ चुनाव में ही हार मान ली, और जब राजनीतिक संगठन के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संगठन का होना भी जरूरी है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने वो उसको फॉलो किया है और एक बड़ा संगठन खड़ा किया है। बिल्कुल, एक मैच्योर पार्टी से देखते देखते एक कहीं ना कहीं एक मैच्योर पार्टी की जो शक्ल है वो आम आदमी पार्टी ने इस बार चुनाव में ली है, जो दिख भी रहा है नतीजों में। अजीत सिंह जी क्या कहेंगे, संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस कमजोर है, जो वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी के तौर पर आम आदमी को देखा गया दिल्ली में, क्या कांग्रेस उस भूमिका में नहीं आ सकती थी, कहां कमी मांग रहे हैं? मीणा जी ने जो बात कही, मैं इनकी इस बात से बिल्कुल मतलब सहमत नहीं हूं कि ये कह देना कि साहब उनके पास बहुत बड़ा संगठन है और बाकी सब खाली है। मैं ये मानता हूं कि विज्ञापन से झूठ को दबाने का काम किया गया और भाजपा का झूठ इतना फैला, इतना चलाया, झूठ और फर्जी चीजें चलती रहीं। मैं दोनों पार्टियों से कहना चाहता हूं, आम आदमी ने जो वादे किए थे उठाइए उनको, वो कहां नए अस्पताल, कहां है वो नए स्कूल, एक भी बनाया हो, आज भी गलती कर रहे हैं, फ्लाई ओवर आपने, आज भी भाजपा को टारगेट किया जबकि आपको आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को टारगेट करना चाहिए विज्ञापनों को लेकर, जितना बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया कांग्रेस, मैंने आम आदमी और आप दोनों को कह रहा हूं, आप कभी मुद्दे तक पहुंचे नहीं, और यही कारण है आज आप झूठ के सिवा कहीं नहीं, आज आपका वोट आम आदमी को इसी वजह से कटा है। आप सुनिए पहले, आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए उन्होंने ना स्कूल नहीं बनाए, मैंने ये कहा आप कहाँ पहुंच गए, और एक अस्पताल नया नहीं बनाया, कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया जो उन्होंने वादे किए थे, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आए थे, उन्होंने कौन सा भ्रष्टाचार मिटाया? लेकिन मैं आपको कहता हूँ, आपकी पार्टी ने उसके बाद झूठ के दूसरा काम किया। मैं मीना जी की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि पार्टी का संगठन कमजोर है या पार्टी के कार्यकर्ता कम, बिल्कुल मानने को तैयार। आप इस बात को मानते हैं कि जानबूझकर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने साइलेंट मोड में चुनाव लड़ा, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि हम तो ये कहते रहे कि भाई साहब लड़ लीजिए, आप ऐसा लीजिए लड़ लीजिए, ये बीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना है, उनके नेताओं का कहना है, क्या आपको लगा कि